पूर्व 27 तारीख को हुए दोहरा हत्याकांड को लेकर दाऊदी बोहरा समाज के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ लोगों ने हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और बोहरा मोहल्लों में सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मामले को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं। अभी तीन दिन पहले नवरत्न कॉम्प्लेक्स में, डायमंड कॉम्प्लेक्स में, नवरत्न कॉलोनी में दो बुजुर्ग महिलाओं की नृशंस हत्या हुई है। घर में घुसकर पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया हमारे साथ में, जांच कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, पर अभी तक भी खबर ये आ रही है कि उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट थी, अभी सीएम अशोक गहलोत साहब के नाम का हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कलेक्टर साहब को कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और इसका खुलासा किया जाए और जो कल्प्रिट है उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि लास्ट एक महीने से फतेहपुरा क्षेत्र में हमारे बोहरा समाज के घरों में, चार पांच घरों में चोरियां भी हुई है। उस चोरी के बाद भी हमने कंप्लेंट भी करवाई है, कुछ लोगों ने कंप्लेंट ना भी करवाई डर की वजह से, तो उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ। और अब ये आपराधिक तत्व का इंतहा हो गई है कि घर में घुसकर और बुजुर्ग लोगों को इस तरह से हत्या की जाए। तो हमारा सरकार से भी निवेदन है, स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन है, हमें कोई शिकायत नहीं है प्रशासन से कि इसमें सहयोग नहीं किया, पुलिस महकमा अच्छा सहयोग कर रही है हमको, लेकिन हमारा निवेदन है कि इसको खुलासा करें ताकि ऐसी वारदात और ना हो दूसरे समाज के बुजुर्ग लोग। अभी क्योंकि हमारे समाज के जो मर्द लोग हैं, आदमी लोग हैं, वो विदेशों में काम करते हैं, यहाँ बच्चे और औरतें अकेली रहती है, तो उनका सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और ये प्रशासन का जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें सहयोग प्रदान करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें। नहीं, इसका कुछ हमें कोई ऐसा हमको कुछ आइडिया नहीं है। अब प्रशासन अपने लेवल पर तक कर रहा है और अगर अखबारों में कुछ न्यूज़ आ रही तो प्रशासनिक स्तर पर ही न्यूज़ दी जा रही है, क्योंकि हमारे स्तर पर इस तरह की कोई सूचना ना तो अखबारों को दी गई है ना प्रशासन के साथ हमने शेयर की है। हमेशा क्या हो सकता है, पड़ोस में काम चल रहा था, वहाँ लोगों ने रेकी की हो सकता है चौकीदार था, क्योंकि दो दिन चौकीदार के छुट्टी पर जाना और फिर आना और वारदात होना, और जब दो औरतों का जो हत्या की गई है वो पहले माले पर की गई है जबकि कारपेट ग्राउंड फ्लोर पर चला गया है, और उसका ये भी हमने सुना है कि वहाँ पे गैस का चूल्हा खुला रखा था, तो किसी ने बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस हत्या को किया है, उनका मकसद कुछ रहा है, इसलिए तफ्तीश इसकी बहुत ज़रूरी है। आज मुख्यमंत्री के नाम का है मगर एक्शन आज ही से कलेक्टर साहब की ऑफिस से, एसपी साहब की ऑफिस से और जितने भी पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे दो साथियों ने बताया है यहाँ पे कि हमारी आबादी काफ़ी थानों में फैली हुई है, एक भी थाने में कभी हमने ना तो रात को ना दिन में पुलिस की जो गश्त होती है पेट्रोलिंग पार्टी उसको अभी हमने देखा है। और हमारी कम्युनिटी इसलिए वल्नरेबल है कि वह शांति प्रिय है। हम सोचते हैं कि इस मेमो का असर पड़ेगा और अगले कुछ दिनों में हम लोगों को सुधार मिलेगा इसमें, और जो कल्प्रिट इस हत्या के जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाएगा। अगर हमने कोई सुधार देखा नहीं या हमारी सेफ्टी खतरे में पड़ी तो हम जरूरत पड़ी तो हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे और मुश्तरककारी कार्रवाई करेंगे, जुलूस निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मगर अपने मोहल्लों की सेफ्टी हम चाहते हैं, न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे उदयपुर की। लेकिन जैसा हमारे शब्बीर भाई ने भी बताया है कि पिछले एक साल से बोरावाड़ी में चोरियां हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, चलती स्कूटर के ऊपर उनके पॉकेट्स खींच लिए जाते हैं, मगर पुलिस के पास में एक कभी पकड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह बड़ी आश्चर्यजनक और अफसोसनाक बात है। हम पुलिस प्रशासन से समाज में जो आक्रोश है वो खाली इस घटना को लेकर ही नहीं है, जिस जगह हम रहते हैं फतेहपुरा खारोल कॉलोनी या जिस जो भी एरिया है वो पॉश एरिया है, और पिछले साल भर से हम लोग दुखी हैं। वहाँ इतनी चोरियाँ होती हैं, वहाँ इस तरह की गुंडागिर्दी होती है कि प्रशासन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी आए हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, उदयपुर का प्रशासन, उदयपुर का पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे, ये कहने के लिए आज हमारा पूरा समाज आया हुआ है। हम ये कोई शिकायत करने नहीं आए या पुलिस डिपार्टमेंट की या सरकार की शिकायत, हमें
महसूस हो रहा है कि हमारी सिक्योरिटी नहीं है। हमारे बोहरा समाज के लोग रहते हैं और ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे नवंबर का महीना है, ये नवंबर का महीना पूरा हमारी सैयदना साहब की सालगिरह का महीना है। मैक्सिमम प्रोग्राम मस्जिदों में होते हैं, घरों में होते हैं, तो घर खाली मिलते हैं। तो आज हम यही निवेदन करने आए हैं कि आज से ही हमारे एरिए में गश्त लगाई जाए, कैमरे लगाए जाए और पुख्ता इंतज़ाम किया जाए, इसलिए हम हाजिर हुए हैं। धन्यवाद। ये हमारे